दोस्तों, पैसे कमाने की इच्छा तो हर कोई रखता है, पर जो लोग क्विक मनी के चक्कर में रहते हैं ना, उनको धोखा ज्यादा और पैसा कम मिलता है, या हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ धोखा ही मिलता है। ऐसा ही कुछ हुआ राजू, श्याम और बाबू भैया के साथ, जो हमेशा से ही क्विक मनी के चक्कर में रहते हैं। बाबू भैया को एक कॉल आया और एक लड़की माधुरी बोलती है कि हमें मालूम चला है कि आप एक बंगला खरीदना चाहते हैं। तो बाबू भैया बोलते हैं, हाँ मेरे को बंगला खरीदने का है, पर आप कौन? फिर वो लड़की माधुरी बाबू भैया से बोलती है कि मैं रियल स्टेट एजेंट बोल रही हूँ, मैं आपके घर आकर इस बंगले की फोटोज आपको दिखा दूंगी, अगर आपको ये बंगला पसंद आएगा तो आप मुझे कुछ पेमेंट कर दीजिएगा, मैं अपने साथ सारे पेपर्स लेकर आऊंगी। दोस्तों, बाबू भैया माधुरी की आवाज में खोकर हर बात पर हाँ हाँ बोलते चले जाते हैं। अब बाबू भैया माधुरी को देखकर पता नहीं किन ख्यालों में खो जाते हैं और माधुरी उनको फोटोज दिखाती है और बताती है कि सिर्फ 2 करोड़ में आप इस बंगले के मालिक बन जाएंगे, आप मुझे डाउन पेमेंट के तौर पर 75 लाख रुपए दे दीजिए। दोस्तों, बाबू भैया बिना कुछ सोचे समझे इस डील के लिए पैसे देने को रेडी हो जाते हैं और पैसे दे भी देते हैं। इसके बाद माधुरी तो वहां से चली गई, पर बाबू भैया माधुरी के ख्यालों से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे, जिसके बाद श्याम उनको बोलता है कि बाबू भैया आपको प्यार हो गया है, आप एक काम कीजिए बाबू भैया, माधुरी भाभी जी को जाकर बता दीजिए अपने दिल की बात और फिर इस नए बंगले में उनके साथ ही प्रवेश कीजिएगा। दोस्तों, ये सब बात सुनकर बाबू भैया खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, खुद को सपने में माधुरी का पति बनते हुए देखने लगे। अब बाबू भैया श्याम की बात मानकर माधुरी को कॉल करते हैं, क्योंकि इसी डेट को बंगला भी मिलने वाला था, पर माधुरी तो फोन उठा ही नहीं रही है। दोस्तों, इसके बाद बाबू भैया श्याम के साथ उसके दिए हुए ऑफिस के एड्रेस पर जाते हैं, तो ये मालूम चलता है कि ये एड्रेस तो नकली है। इसके बाद बाबू भैया बोलते हैं, रे लूट गया रे बाबा, मैं तो लूट गया। तो राजू बोलता है, और जाओ माधुरी भाभी करो, ले गई ना 75 लाख, और बंगला के नाम पर खाली फोटो मिला है 75 लाख में, अब इसी फोटो वाले बंगले में रहना तुम लोग। दोस्तों, आपको आने वाली फिल्म हेरा फेरी 3 में कुछ ऐसे ही मजेदार कहानी देखने को मिल सकती है, तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।